वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर। तो आज हम निकले हैं 6 बजे, लग नहीं रहा 6 बजे हुए हैं, लग तो ऐसे रहा जैसे पता नहीं शायद 7 बज चुके हैं, बट वी हैव स्टार्टेड एट 6 एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स पेनुकोंडा फोर्ट। तो ये जो फोर्ट है इट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस वेयर आई स्टे इन बैंगलोर। एंड आज पहली बार हिमालयन की थोड़ी सी लॉन्गेस्ट राइड होने वाली है। लाइक अभी तक आई ओनली रिटर्नड इन द सिटी एंड इसको बाहर नहीं निकाला मैंने अभी अदर सिटी से बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग द चांस। एंड टुडे इज़ द डे, आज इसकी थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव होगी एंड वी विल टेस्ट आउट कि मतलब ये हाईवे राइड्स पे कैसी चलती है। एंड हाँ, GPS भी चल रहा है अभी, तो मैंने इस पर GPS ऑन किया हुआ है। आई एम कनेक्टेड टू द रॉयल एनफील्ड ऐप एंड इट इज़ वर्किंग क्वाइट फाइन। मतलब अभी तक मुझे कोई इशू लगा नहीं है GPS में, अच्छी खासी डायरेक्शंस दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, म्यूजिक इज़ कनेक्टेड, GPS इज़ कनेक्टेड, थिंग्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। विंड ब्लास्ट, यस विंड ब्लास्ट ऐसा है कि थोड़ा सा फील तो होता है बट सो फार सो गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही धक्का लग रहा है, यू हैव टू रियली पुट सम एफर्ट टू कीप योर बॉडी इन द फ्रंट एंड पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पुश आ रहा है। ऑब्वियसली हवा आएगी, वेदर ऐसा रहेगा तो थोड़ा बहुत विंड ब्लास्ट तो आएगा, बट इट इज़ वेरी मच बियरेबल एंड राइट नाउ आई डोंट फील लाइक कि मतलब मुझे इस पर एक बड़ी विंडशील्ड लगानी चाहिए बिकॉज द ओनली थिंग इट विल डू इज़ कि वो मेरी चेस्ट की बजाय मेरे सिर पे हवा मारेगी सारी की सारी। सिंस आई एम 6 feet tall देर इज़ नो वे कि एक मैं विंडशील्ड लगाऊंगा एंड विंड विल जस्ट गो डायरेक्टली अबव माई हेड। बैंगलोर से अगर एक निकलता हुआ हाईवे इफ आई हैव टू चूज विच इज़ माई फेवरेट एब्सोल्यूट फेवरेट टू जस्ट क्रूज नाइसली देन दैट इट हैज़ टू बी दिस बैंगलोर हैदराबाद हाईवे। भाई इतना मक्खन है, इतना बटर स्मूथ बना हुआ है, यू कैन जस्ट यू नो पिक अप अ स्पीड एंड जस्ट कीप क्रूजिंग ऑल डे लॉन्ग। मतलब यहाँ से 600 किलोमीटर तक आप ऐसे ही जा सकते हो। आई एम स्टार्टिंग टू लाइक दिस बाइक क्वाइट अ लॉट and sixth gear mein it is easily doing 100, 110, 120 speeds. तो जी वी हैव रीच्ड पेनुकोंडा जहाँ पे आपको विंड मिल्स दिखने स्टार्ट हो जाए ना मेन रोड से, समझ जाना यू आर वेरी क्लोज एंड दिस इज द टर्न फॉर पेनुकोंडा। यहाँ से इफ यू कीप राइट यू विल कंटिन्यू ऑन द बैंगलोर हैदराबाद हाईवे एंड इफ़ यू गो लेफ्ट जहाँ पे हम जा रहे हैं दैट इज़ पेनुकोंडा। एंड यहाँ से मैप इज टेलिंग मी कि 2.3 किलोमीटर्स ही बचा है, ज़्यादा नहीं है। अभी लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप पेनुकोंडा फायर स्टेशन है, वो फायर स्टेशन से अगर आप सीधा लेफ्ट ले लेते तो आप पहुँच जाते। अब आपको वापस फायर स्टेशन जाना है, फायर स्टेशन से राइट लो अब आप एंड यू विल ईजिली रीच दी पेनुकोंडा फोर्ट। हाँ देखो सब जा भी रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट, एक अकेला पागल मैं ही टूरिस्ट था जो वहाँ लोकल एरिया में घुस गया बट ठीक है यार, अच्छा छोटा सा विलेज था, गांव था एंड इंटरेस्टिंग सा था यार, अच्छा देखने को मिला, आई लाइक इट। ये रहा फायर स्टेशन, डैशबोर्ड इज़ रियली फंक्शनल एंड नाइस, ये आपको नेविगेशन में भी बहुत हेल्प करता है। इट गिव्स यू डायरेक्शंस प्रॉपर, आपको कॉल आती है वो भी आपको पता चलेंगी, मैसेजेस आते हैं वो भी ये रीड करके बता सकता है, बैटरी लो इंडिकेशन सब बता देता है ये। इट इज़ नाइस ग्रीन एंड ब्रिलियंट रोड, क्या मज़ेदार है यार। ऑल दो मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर का ही सेक्शन है यहाँ से लेके ऊपर तक का, बट वर्थ है यार। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यार 150 किलोमीटर दूर जा रहे हैं 5 किलोमीटर की मस्ती मारने के लिए, बट मज़ेदार है।
डेंजरस कर्व्स अहेड, गो स्लो। इतनी मस्त मक्खन तो सड़क बना दिया आपने। वाओ, क्या बात है, मज़ेदार, नाइस, ब्रिलियंट। हेयर कम्स हेयर पिन, पहला हेयर पिन, आई वुड से हिमालयन का पहला हेयर पिन है अपना ये। इजी, मस्त, मज़ेदार। हेयर पिन नंबर टू। यार रोड ना चमक रही है लिटरली, ऐसे लग रहा है कि शाइन मार रही है जैसे। बैक टू बैक हेयर पिंस मैप पे स्टार्ट होने वाले हैं बस अभी। इट इज गोइंग टू बी फन। यार जगह है तो मस्त यार, मेरे को तो ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी ना, तो मेरे लिए तो भाई जैकपॉट ही है ये। बहुत आराम से चढ़ती है हिमालयन, इतना तो है इसमें जोर यार। और मैं भी सेफ साइड इसको फर्स्ट में ही चढ़ा रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट गियर डालो एंड रेव इट आउट इफ नीडेड। आई एम नॉट किडिंग, इफ यू आर एन एक्सपर्ट राइडर, ऑल्दो ऐसी रोड्स या दीज आर पब्लिक रोड्स, आपको इस पर स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए, बट इतना लालच आएगा ना आपको इफ यू हैव अ सुपर स्पोर्ट कि मैं बस लिटा ही दूं बाइक को। वी हैव रीच्ड पेनुकोंडा फोर्ट और दी सनराइज पॉइंट, जहाँ पे आके रोड ख़त्म होती है। आगे आई थिंक इन्होंने गेट वगैरह लगा दिए। अर्लियर मेबी देयर वाज अ वे टू टेक योर बाइक्स ऑन दी ऑफ रोड, बट अब वो गेट लग गया तो बाइक्स एनीमोर। यहाँ पे फोर्ट बहुत पास में ही दिखा रहा है, ज़्यादा दूर तो नहीं दिखा रहा, हार्डली शायद 100 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। बाकी प्लेस इज नाइस, नॉट दैट वॉर्म, कम्फर्टेबल वेदर है, हवा चल रही है। बाइक अभी पीछे ही लगाई है, यहाँ से जाके देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक रास्ता तो बना हुआ है, ट्रेल सी बनी हुई है, बट द थिंग इज दिस ट्रेल पे कोई है नहीं, देयर इज नो वन एक्सेप्ट मी, बट द कंसर्न इज कि यहाँ पे उस ट्रेल पे ना मेरे अलावा कोई है नहीं। स्टंटबाजी सी हो रही है थोड़ी, बट आई एम द ओनली वन ऑन दिस ट्रेल। पीछे लेक भी दिख रही है एक छोटी सी, नॉट लेक, पॉन्ड है छोटा सा, इट्स नाइस एंड ग्रीन। और मुझे लग रहा है कि जब आ ही गए हैं तो वाई नॉट एक्सप्लोर इट लिटिल बिट, जहाँ तक रास्ता लेके जाता है वहाँ तक जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम अभी, जहाँ बाइक पार्क करी है वहाँ से, तो वापसी पर चढ़ाई होगी। बाकी लेट्स सी। एंड पॉइंट ऑफ द ट्रेल, इसके आगे जो रास्ते जा रहे हैं ना उसमें मैं और कंफर्टेबल नहीं हूँ जाने में। आई वुड डेफिनेटली नीड समवन विद मी कंपनी, सो
सो दैट टेंशन फ्री जा सकूँ। मैं ऑलमोस्ट लेक के पास आ गया हूँ, ये खुला मैदान सा है, इसके बाद ट्रेल का आइडिया ज़्यादा लग नहीं रहा है एंड पता भी नहीं ना यार, तो ज़्यादा पंगे भी नहीं लेंगे हम एंड वी विल हेड बैक नाउ। यहाँ पे होता है हमारा पेनुकोंडा फोर्ट की विजिट एंड पेनुकोंडा फोर्ट का व्लॉग ख़त्म। ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया बट स्टिल इट वाज अ नाइस ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर एंड एन्जॉयबल वन। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल।